सो गाइस, अगर आपके पास एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है और उस चैनल पर आप वीडियोस अपलोड करती हो, वीडियोस अपलोड करने के बाद गाइस आपके वीडियो पर बहुत ही कम व्यूज आता है, 10 15 20 30 व्यूज आने के बाद और व्यूज नहीं आता है और आपका गेमिंग यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में गाइस आप कौन सा गलती कर रहे हो, कौन सा मिस्टेक कर रहे हो जिसके वजह से आपका गेमिंग यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। और इस वीडियो के अंदर सारा चीज बताने वाला हूं। अगर आपके पास एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो को एंड तक देखने के बाद सारा चीज पता चल जाएगा और वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप जो मिस्टेक कर रहे थे आगे जाकर वो सारा मिस्टेक आप नहीं करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस मेरा जो सब्सक्राइबर है ज्यादातर गेमर है, उनके पास एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है और वो उस चैनल को ग्रो करना चाहता है मगर वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो गलती क्या है? पहला जो यहाँ पर मिस्टेक आप कर रहे हो, 90% यूट्यूबर ये गलती यहाँ पर कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक चैनल क्रिएट कर लिया, चैनल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर वो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अच्छी बात है आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हो मगर शॉर्ट्स वीडियो आप ऐसे बना रहे हो जिसके वजह से आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा है और अगर आपके वीडियो पर व्यूज आ भी गया फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो गलती क्या है? आपने यहाँ पर गेम प्ले को रिकॉर्ड किया, जो भी आपने गेम खेला है, जो भी आपने हेडशॉट वगैरह मारा, कोई फनी सीन हुआ, जो भी चीज हुआ है आपने उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद आप एडिटिंग करते के समय उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हो या तो आप एक शायरी लगा दिया, लगाने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो को बस अपलोड कर दिया, बस आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये गलती यहाँ पर कर रहे हो। तो मैं ऐसा यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन क्या है? देखो मान लो आपने इस तरह का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करती हो पर आपके शॉर्ट्स वीडियो पर कुछ यहाँ पर व्यूज आ गया, 10 15 20 30 व्यूज आ गया, मान के चलो आपका शॉर्ट्स वीडियो वायरल भी हो गया, ठीक है ना, कुछ यहाँ पर 1 लाख 2 लाख व्यूज भी आ गया, तो कुछ यहाँ पर फायदा नहीं होगा मेरे भाई। ऐसा मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप यहाँ पर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हो शॉर्ट्स के अंदर, सीधा आपने गेम प्ले रिकॉर्ड किया, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, कॉपीराइट आ गया, तो ऐसे में कुछ फायदा नहीं होगा मेरे भाई। आपको उसके अंदर क्रिएटिविटी लाना बहुत ही जरूरी है। एक दिन में लोग हजारों शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, तो ऐसे में गाइस आपका वीडियो उनके सामने आ गया तो उस वीडियो के अंदर कुछ होना चाहिए तभी तो वो आपको याद रखेगा। तो इसके लिए उसके अंदर आपको वॉइस ओवर करना है, अच्छे से एडिटिंग करना है, अगर आप फेस कैम वीडियो शूट करना चाहते हो तो फेस कैम वीडियो भी शूट कर सकते हो, अगर आप लोगों को हंसा रहे हो तो अच्छे से करो, जो भी चीज करोगे वो अच्छे से करना आपको बहुत ही जरूरी है तभी आपको लोग याद रखेगा। अगर आप पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक शायरी लगा दिया, सॉन्ग लगा दिया तो लोग आपको याद नहीं रखेगा मेरे भाई। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका वीडियो वायरल भी हो गया तो कुछ फायदा नहीं होगा मेरे भाई। नंबर टू जो मिस्टेक, ये भी काफी बड़ा मिस्टेक है जिसके वजह से उनका गेमिंग चैनल यहाँ पर ग्रो नहीं हो पाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा एक सब्सक्राइबर है जिनके पास यहाँ पर 60K+ यहाँ पर सब्सक्राइबर है और यहाँ पर इन्होंने क्या गलती किया, इनके वीडियो पर व्यूज यहाँ पर नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया, लॉन्ग वीडियो भी अपलोड किया और इसके अंदर कभी कभी इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग भी यहाँ पर किया है। तो आपको ऐसा गलती यहाँ पर नहीं करना है। अगर आपके पास एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है उस चैनल पर आपको एक ट्रैक के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हो तो आप चैनल पर सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो ही अपलोड करो। दूसरा गाइस, अगर आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो तो उस चैनल पर आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करो, बीच बीच में शॉर्ट्स वीडियो मत अपलोड करो। एंड दोस्तों, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो स्टार्टिंग के टाइम पर आप लाइव स्ट्रीमिंग मत करो, देखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा तो ऐसे में गाइस कुछ फायदा नहीं होगा और आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले जब आपका चैनल यहाँ पर ग्रो हो जाएगा, जब आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बेस बन जाएगा, उसके बाद आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो आपके चैनल पर। तो स्टार्टिंग के टाइम पर आपको वीडियो के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? तो आपको ये डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है आप किस टाइप का कंटेंट यूट्यूब चैनल पर अपलोड करोगे, ठीक है? थर्ड जो यहाँ पर मिस्टेक है जिसके वजह से आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पर ग्रो नहीं होता है और आप यहाँ पर डीमोटिवेट हो जाते हो। तो स्टार्टिंग के टाइम पर जैसे ही आप यहाँ पर कुछ वीडियोस अपलोड करते हो, 10-15 अपने वीडियोस अपलोड कर दिया और आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आया, तो ऐसे में गाइस आप डीमोटिवेट होकर यूट्यूब को छोड़ देते हो, व्यूज नहीं आ रहा है, कैसे चैनल ग्रो होगा, तो ये सब आप सोचते रहते हो जिसके वजह से आप कंटेंट नहीं बना पाते हो और आप वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पाते हो, आप बस सोचते ही रहते हो व्यूज क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको कंटेंट अपलोड करना बहुत ही जरूरी है, आपको वीडियोस अपलोड करना है। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो तो डेली आपको एक या दो आपको शॉर्ट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, वो भी अच्छे से आपको शॉर्ट्स बनाना होगा। ऐसा नहीं है फालतू का, अगर आप शॉर्ट्स बनाओगे तो कोई यहाँ पर फायदा नहीं होगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। दूसरा गाइस, अगर आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो
तो आपको डेली लॉन्ग वीडियो आपका अपलोड करना बहुत ही जरूरी है स्टार्टिंग के टाइम पर। अगर आपके पास एक गेमिंग चैनल है तो स्टार्टिंग के टाइम पर आपको डेली लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना है। अगर आप डेली नहीं कर सकते हो तो एक डे आप गैप देकर कर सकते हो। तो आपको और एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, आपको एक टाइम सेट करना बहुत ही जरूरी है, एक टाइम पर आपको वीडियोस अपलोड करना है। ऐसा नहीं है गाइस जब मन चाहे तब अपलोड कर रहे हो, आज आपने यहाँ पर सुबह का यहाँ पर 9 बजे अपलोड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट दिन यहाँ पर शाम के 7 बजे अपलोड कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक आपको टाइम सेट करना, इसी टाइम पर आपका वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड होना चाहिए, तो ये चीज बहुत ही जरूरी है। और स्टार्टिंग के टाइम पर कभी भी आपको गैप नहीं लेना है, ठीक है, इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज बोलना चाहूंगा एंड में, आपका वीडियो का जो ऑडियो है वो क्लियर होना चाहिए। जब भी आप वॉइस ओवर कर रहे हो वीडियो के अंदर, आपका वीडियो का जो ऑडियो वो क्लियर आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्टार्टिंग के टाइम पर आप एक माइक परचेस कर सकती हो, बोया बाई M1 माइक, जिसे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसका साउंड क्वालिटी यहाँ पर आप देख सकते हो। इस माइक को आप परचेस कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप इस माइक को परचेस कर लेना और इजीली गाइस आप वीडियो के अंदर वॉइस ओवर या तो यहाँ पर शूट वगैरह कर सकते हो अच्छे से। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है स्टार्टिंग के टाइम पर, तभी आपका चैनल यहाँ पर ग्रो होगा, तभी गाइस आप कुछ कर सकती हो यूट्यूब पर, ठीक है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, नीचे एक कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।